तो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप सिंक 3.4 का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसको अपडेट कर सकते हैं। सो गाइस, आपको बेसिकली तीन तरीके मिल जाते हैं इसको अपडेट करने के लिए। फोर्ट ने आपको तीन तरीके प्रोवाइड कराए गए हैं कि आप इस सिस्टम को अपडेट कर सकें। तो जो पहला तरीका है वो ये है कि आप डायरेक्टली ऑथराइज सर्विस सेंटर पर जाकर इसको अपडेट करवा सकते हैं, वो आपकी अपडेट इंस्टॉल कर देंगे इसमें। और जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप इसमें जो वाईफाई का ऑप्शन दिया है आपको इसको वाईफाई से कनेक्ट करना है। देन उसके बाद वाईफाई से कनेक्ट कर लेने के बाद आपको डायरेक्टली इंफोटेनमेंट सिस्टम में ही जाना है, सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको ऑटोमेटिक अपडेट्स का कुछ ऑप्शन दिखता है कुछ इस तरीके का। तो ऑटोमेटिक अपडेट्स आपके जो भी अपडेट्स आए होंगे वो इस पे शो हो जाएंगे। बट अगर आपके पास स्टेबल वाईफाई कनेक्शन नहीं है और जो ज़्यादा बड़ी अपडेट है वो इसमें ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं होती, इसमें छोटी मोटी अपडेट्स हैं जो वो डाउनलोड हो जाती हैं, बट ज़्यादा बड़ी अपडेट्स हैं तो ये डाउनलोड्स में नहीं दिखाता, ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट्स में नहीं दिखाता कोई भी अपडेट। सो गाइस, जो तीसरा और लास्ट तरीका है इसको अपडेट करने का वो ये है कि आप फोर्ट की वेबसाइट पर जाकर इसको खुद से रजिस्टर करके, खुद से इसका जो अपडेट है उसको डाउनलोड करके इसमें डायरेक्टली इंस्टॉल करें। आज हम जो सिस्टम अपडेट करने वाले हैं वो तीसरे तरीके से करने वाले हैं, खुद से इसका जो अपडेट है उसको डाउनलोड करने वाले हैं, और वो अपडेट फोर्ट ही प्रोवाइड कराता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप उस अपडेट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर पर गूगल पर सर्च करना है fordindia.com, और फोर्ट इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको उसको खोल लेना है। ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरीके से आपको दिखती है। ऑफिशियल वेबसाइट में आपको ऊपर साइन इन का ऑप्शन रहता है राइट साइड में, आपको वहाँ पर क्लिक करना है। और आपका जो यूज़र नेम और पासवर्ड है जो आपने रजिस्टर किया होगा, जो आपका अकाउंट है रजिस्टर्ड अकाउंट, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। और अगर आपने अभी तक जो है अकाउंट नहीं बनाया है फोर्ट का, तो आप इसमें नीचे ही आपको ऑप्शन मिल जाता है जहाँ से आप नए अकाउंट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं अगर आपके पास फोर्ट का अकाउंट नहीं है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन कर देना है। लॉगिन कर देने के बाद आपको कुछ पेज मिल जाता है कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा। आपकी गाड़ी है जो वो आपको दिखेगी यहाँ पर, और उसका सब डिटेल आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहीं पर आपको जो है सिंक 3 आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है सिंक 3 वर्जन 3.4 की आपकी अपडेट आई हुई है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अपडेट न्यू वर्जन, तो कभी भी अपडेट आता है तो आपको कुछ इस तरीके से अपडेट यहाँ पर लिखा हुआ दिख जाता है। तो अभी हम अपडेट न्यू वर्जन पर क्लिक कर देते हैं, और साथ ही जो इसका डाउनलोडिंग का है उसको भी प्रोसेस बढ़ाते हैं आगे। तो ये कुछ आपको इस तरीके से लाइसेंस एग्रीमेंट मांगता है, आपको सब एग्री कर देना रहता है। और इसके बाद वी आर प्रिपेयरिंग योर अपडेट, ओके कर देना है यहाँ पर आपको। तो आपकी जो अपडेट है वो अब आपकी प्रिपेयर होगी। तो अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको काम करना है अपना जीमेल अकाउंट खोलना है, क्योंकि जो आपका कन्फर्मेशन आएगा, जो आपको डाउनलोड लिंक मिलेगा वो आपके जीमेल अकाउंट पर ही मिलेगा। तो अभी हमें क्या करना है, अपना जीमेल अकाउंट खोल लेना है वहीं पर जो हमें फोर्ट प्रोवाइड कराता है डाउनलोड लिंक। तो फोर्ट आपको मेल करता है कुछ इस तरीके का, और अगर हम इस मेल को खोलते हैं तो यहाँ पर लिखा आता है थैंक यू फॉर डाउनलोड रिक्वेस्ट। तो आपकी जो डाउनलोड रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट कर ली गई है, और आपकी जो डाउनलोड है वो भी रेडी है। तो यहाँ पर सिंक 3 सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखा दिख रहा होगा, जो आपको जस्ट यहाँ पर क्लिक कर देना है और आप वापस से उसी पेज पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आप वापस से उसी पेज पर पहुँच जाते हैं, और यहाँ पर आपको जो डाउनलोड्स है वो प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो अभी जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड था आपका वो रेडी है, और हमें इसको ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद अभी हमें बोला गया है कि हमें जो ये इंस्टॉल करना है डायरेक्टली यूएसबी ड्राइव में नहीं करना है, इसको हमें जो इंस्टॉल करना है वो पहले, यानी कि इसको जो हमें डाउनलोड करना है वो पहले पीसी में डाउनलोड करना है। देन उसके बाद जो फाइल्स हैं इसकी उनको एक्सट्रैक्ट करना है, उसको अनजिप करना है, इसमें कंप्रेस्ड फाइल है और उसको एक्सट्रैक्ट करके आपको जो है जो उसके बाद जो फोल्डर आपको मिलेगा एक्सेप्ट करने के बाद, उसको एक 8 GB की मिनिमम आपको पेन ड्राइव यूज़ करनी है, उसके अंदर आपको मूव कर देना है उसको। और एक चीज़ का और ध्यान रखें कि आप कभी भी ये जो अपडेट है इसको डाउनलोड कर रहे हो तो पीसी से ही डाउनलोड करें, मोबाइल से डाउनलोड ना करें, इसको कंप्यूटर से ही डाउनलोड करें और स्टेबल कनेक्शन के साथ ही डाउनलोड करें। आपके पास अगर ब्रॉडबैंड या वाईफाई है तो उसके साथ ही आप इसको डाउनलोड करें, क्योंकि उसमें आपका जो अपडेट है वो पूरा अच्छी तरीके से डाउनलोड हो जाता है, बीच में पॉज नहीं होता। तो गाइस, नेक्स्ट हमें अभी जो करना है वो ये कि जो हमने पेन ड्राइव इसमें लगाई है उसको हमें एक बार फॉर्मेट कर लेना है, और फॉर्मेट करके उसके अंदर जितना भी डाटा वाटा था वो सब हटा देना है, उसको एकदम क्लियर कर देना है। तो अभी ये पेन ड्राइव को मैं फॉर्मेट कर देता हूँ, और ये जो फ्लैश ड्राइव थी ये अब यूज़ होने के लिए तैयार है। सो गाइस, फाइल अपडेट डाउनलोड हो जाने के बाद आपका जो फोल्डर है उसमें जाना है आपको, जहाँ पर आपकी जो फाइल डाउनलोड हुई है। तो डाउनलोड कर लेने के बाद आप एक फोल्डर बना लें फोर्ट अपडेट करके, या फिर कोई भी उसको नाम दे दें, जिसके अंदर आप उस फाइल को पेस्ट कर लें, क्योंकि अभी आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसके 2-3 आपको जो है फोल्डर्स हैं छोटे छोटे वो देखने के लिए मिल जाते हैं, तो इसलिए आपको इसको एक ऐसी जगह एक्सट्रैक्ट करना है जहाँ और कोई फाइल ना हो,
तो इसलिए एक आप अलग से फोल्डर बना लें। तो अभी हमने बना लिया है और यहाँ पर इसको मूव कर दिया है, और अभी हम इसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको तीन चीज़ें मिल जाती हैं, और आपको जो एक्सट्रैक्ट कर लेने के बाद जो तीन फाइल्स मिलती हैं, आपको इन तीनों को ही यहाँ से मूव करके आपको जो है आपकी पेन ड्राइव में पेस्ट कर देना है जो आपने फॉर्मेट की थी अभी। तो ये जो हमारी पेन ड्राइव है फोर्ड वाली, इसमें ही हमें जो हमारी फाइल्स हैं उनको पेस्ट कर देना है। तो ये तीनों फाइल्स थी, इनको हम कट कर लेंगे यहाँ से, या फिर आप कॉपी कर लीजिए और फोर्ड का जो पेन ड्राइव है उसमें पेस्ट कर लेंगे। सो गाइस, अपडेट मैंने इस पेन ड्राइव में है वो ले लिया है, और अभी जो है कार का जो इग्निशन है वो मैंने ऑन कर रखा है। कार स्टार्ट नहीं कर रखी, बट कार का जो इग्निशन है वो मैंने ऑन कर रखा है, और जो कार का इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो भी ऑन है। तो अभी हमें क्या करना है, जो USB ड्राइव है जिसमें हमारी अपडेट है, जिसमें सिंक 3 की सारी अपडेट्स मैंने अभी स्टोर की हैं, अब मुझे क्या करना है, इसका जो फर्स्ट वाला USB पोर्ट है, जो फर्स्ट वाला USB पोर्ट है, इसी में आपको लगानी है पेन ड्राइव। इसमें इस पेन ड्राइव को लगा देना है कुछ इस तरीके से, देन अपडेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपका जो है सिस्टम पे लिखा आने लगेगा। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है आपका, हो सकता है ये 2 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, या हो सकता है 30 मिनट लगे। तो इसमें 30 मिनट तक का टाइम लगता है मैक्सिमम। तो अभी हमें इसको टाइम देना है थोड़ी देर के लिए, जब तक ये अपडेट हो नहीं जाता अपने आप ही। तो गाइस, जब अपडेट का प्रोसेस चल रहा हो आपकी कार में, तो एक चीज़ का ध्यान रखें, ना बार बार कार का इग्निशन ऑन ऑफ करें, ना कार को स्टार्ट करें। जब आपका अपडेटिंग हो रहा है सिस्टम, तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट अपनी कार को इग्निशन में नॉर्मली डालकर छोड़ देना है, कार को स्टार्ट नहीं करना है। अगर आप स्टार्ट करके अपडेट करना चाहते हैं तो पहले ही कार को स्टार्ट कर लें, जब सॉफ्टवेयर अपडेट चल रहा हो उसके बीच में कार को स्टार्ट ना करें। सो गाइस, ये जो सॉफ्टवेयर वर्जन है सिंक 3 का, ये 3.3 है, और जो अभी अपडेट हो रहा है ये 3.4 है। तो इसमें आपको कुछ ये सारे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, मोबाइल ऑडियो, मोबाइल ऐप्स, और सेटिंग्स में कुछ आपको इस तरीके का मिलता है। तो अभी देखते हैं जो नया इसका अपडेट आया है उसमें क्या क्या चीज़ें अपडेट होती हैं, क्या क्या आपको इसमें नया देखने के लिए मिल जाता है। सो गाइस, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपको ये जो आपका सिस्टम है ये ऑटोमेटिकली रीबूट हो जाता है, और आपको यहाँ पर मैसेज भी देता है कि आप अपनी USB ड्राइव को जो है वो रिमूव कर सकते हैं। तो अभी जो हमारी फ्लैश ड्राइव है हम उसको निकाल लेते हैं, क्योंकि इस पर लिखा आ गया था कि आप अपनी USB को रिमूव कर सकते हैं, और ये जो सिस्टम है अभी वो ऑन हो गया है। तो अपडेट के बाद ये थोड़ा टाइम लेता है ऑन होने में, क्योंकि सारी अपडेट्स हैं वो इसके अंदर इंस्टॉल हो रही होती हैं। सो गाइज, ये है अपना नया जो इंफोटेनमेंट का अपडेट आया है सिंक 3 का। तो अपडेट कर लेने के बाद कुछ इस तरीके का आपको दिखता है सिंक 3, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, अगर सच बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक सा लग रहा है। सो गाइज, सिस्टम अपडेट हो जाने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखता है, आपको इसमें जो पूरी थीम थी वो चेंज दिखती है, साथ ही फ़ोन का भी आपको पूरा यहाँ पर कम्प्लीटली अलग दिखता है, मोबाइल ऐप्स का भी अलग दिख रहा है, और अभी जो है पूरा बेसिकली अभी जो है वो थीम पे ही फ़र्क दिख रहा है, जो मेन आपको जो चेंजेस में दिखेगा। तो चलिए सेटिंग्स में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें चेंज हैं। तो इसमें आपको जनरल में जो भी चीज़ें दी गई थी वो वैसे ही हैं, बट इनकी पूरी तरीके से थीम है जो वो चेंज हो चुकी है। सो गाइस, अपडेट हो जाने के बाद इसका जो सॉफ्टवेयर वर्जन है वो 3.4 हो चुका है, पहले ये 3.3 था। जो सबसे बड़ा फ़र्क आया वो शायद डिस्प्ले इसमें आया है, इसमें आपको नई चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं, आपको इसमें जो है बैकग्राउंड थीम्स मिल जाती हैं अच्छी अच्छी, और साथ ही प्रीव्यू नाइट मोड का भी आपको इसमें दिखाता है कि नाइट्स के लिए कौन सी थीम्स हैं इसमें। तो आप इसमें दोनों तरीके की जो थीम्स हैं वो सेट कर सकते हैं। सो गाइज, एम्बियंट लाइट सेटिंग में आप जाएंगे तो इसमें भी आपको थोड़ा सा चेंज देखने के लिए मिल जाता है, पहले स्क्वायर शेप में आते थे इसके जो ये कीज़ दी गई हैं आपको एम्बियंट लाइटिंग के लिए, और अभी इनको सर्कल में कर दिया गया है। यही कुछ अपडेट्स हैं आपका जो है सिंक 3, आप अगर अपडेट कर लेते हैं तो आपका सिंक 3 कुछ इस तरीके का दिखता है आपको। सिस्टम उतने अच्छे से ही रिस्पॉन्स कर रहा है और एकदम स्मूथली वर्क कर रहा है, कोई भी लैग अभी भी नहीं देखने को मिल रहा, ना पहले मिलता था इसमें। और अगर हम बात करें जो बाकी इसके थोड़े बहुत बग्स थे, वो पता चलेगा जब भी इसको यूज़ कर लेंगे थोड़े दिन, तब उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके जो अपडेट्स आए थे उसको इंस्टॉल कर लेने के बाद कार का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसमें जो छोटे मोटे एक दो बग्स थे वो अब ठीक हुए हैं नहीं हुए हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही था, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल पर नए। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।